के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाय तो हर घर में बनती है और चाय हम रोज ही पीते हैं। खासकर सर्दियों के मौसम में अदरक वाली चाय पीने की मजा ही कुछ और है। तो आपको अगर ये अदरक वाली स्वादिष्ट चाय की रेसिपी देखनी है तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है दूध, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, चार इलायची और पानी। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पर हम एक पैन रखेंगे और हम जिस कप से चाय बनाएंगे उसी कप से हम एक कप पानी डालेंगे। 1/4 कप अब हम और पानी लेंगे क्योंकि चाय में उबाल आने पे पानी थोड़ा सा जलता है। अब हम गैस पे पानी को उबालेंगे। उबाल आ रहा है तब तक हम अदरक को कूट लिए हैं और इलायची को भी हमने दरदरा कूट लिया है। अब पानी में आप देख सकते हैं उबाल आ गया है तो हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। तो हम 2 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। आप कभी भी चाय पत्ती पानी के उबाल आने पर ही डालें क्योंकि ठंडा पानी में चाय पत्ती का कलर सही नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं अपने चाय में उबाल आ चुका है। अब हम गैस को मीडियम कर लेंगे और इसमें डालेंगे कूटी हुई अदरक। तो हम 2 कप चाय की तैयारी किए हैं तो 2 टुकड़ा अदरक का भी डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे दरदरी कूटी हुई इलायची और इसे हम 1 मिनट तक उबलने देंगे। इससे क्या होगा, अदरक और इलायची का फ्लेवर अच्छे से पानी में आ जाएगा। कैसे चाय बनाएंगे तो अदरक इलायची का भरपूर फ्लेवर इसमें आएगा और आप जरूर बना के इसे टेस्ट कीजिएगा। चाय अगर आपको कड़क पसंद है तो इसमें 1/2 चम्मच और पत्ती बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट चाय का कलर आएगा क्योंकि हमने 1-1 चम्मच 1 कप के लिए चाय पत्ती डाला है। चाय अपना 1 मिनट तक उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो शक्कर हम 2 चम्मच डालेंगे। आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1/2 चम्मच शक्कर और बढ़ा सकते हैं और इसे हम हिलाते हुए उबाल लेंगे। अब हम जिस कप से पानी लिए थे उसी कप से हम 1 कप दूध डालेंगे। दूध गाढ़ी होनी चाहिए तो चाय का कलर बढ़िया आता है। अगर दूध पानी वाला हो तो दूध की मात्रा बढ़ा दीजिए, उबलने दीजिए। तो अब हम चाय को और 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबालेंगे, चला लेंगे जिससे चाय अपना ऊपर तक ना आए। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसे चला चला के 1/2 मिनट और पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं चाय का कलर कितना बढ़िया आया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी एकदम परफेक्ट है। तो अब हम चाय 1/2 मिनट हो चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और चाय को एक छलनी की सहायता से हम कप। तो अब हम चाय को छान लेंगे। अब देख सकते हैं कितना सुंदर गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार हुआ है। हमने 2 कप का माप लिया था, उबाल आने के बाद 2 कप चाय अपना तैयार हुआ है। अदरक इलायची वाली चाय बनकर तैयार है।
इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए।